अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तैबा आसिफ, तैबा कुजीन में। आज आपके लिए बनाने जा रही हूँ चिकन के पकोड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैंने ये 2 कप बेसन लिया है। अब हम इसमें अपने स्पाइसेस डालेंगे। 1 टीस्पून क्रश रेड चिली, नमक हसबे जायका इसमें डालें, 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून चाट का मसाला डालें, 1/2 टीस्पून इसमें बेकिंग सोडा डाल के इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के इसका अच्छा सा बैटर तैयार करते हैं। ये देखें, मैंने बेसन को मिक्स कर लिया है इस तरह। अब हम इसमें 500 ग्राम चिकन बाइट साइज डाल के तो इसको हम 15-20 मिनट के लिए रख देते हैं, फिर उसके बाद इसको फ्राई करेंगे। 15-20 मिनट हो गई है मैरिनेशन को, अब हम इनको फ्राई करते हैं। लो फ्लेम पे ही इनको फ्राई करना है। ये देखें चिकन पकौड़ा का कितना अच्छा गोल्डन कलर आ गया है। अब हम इनको निकाल लेते हैं। चिकन पकौड़ा रेडी हो चुका है, बहुत ही क्रंची से बने हैं और बहुत अंदर से सॉफ्ट, बहुत मज़े के बने हैं। आप इनको घर में बनाएं और इंजॉय करें, और नेक्स्ट रेसिपी के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।